हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ चैप्टर फर्स्ट। पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था जो मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं। तो जब भी वो टर्म यूज़ होंगे अब आप उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से हम बना सकते हैं बाई यूजिंग द कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम एक केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं, लास्ट में हमने आपको चेंजेस के बारे में बताया था, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज तो वहीं पर एक आपका कंप्लीट हो गया। अब जो आगे चलेगा वो सारा केमिकल चेंज के बेस्ड है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका जो कंपोजिशन होता है वो स्टार्टिंग में लिए हुए कंपाउंड से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच ए केमिकल चेंज टेक प्लेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जहाँ पर भी कोई एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी केमिकल चेंज होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में पहली एक्टिविटी है, वहाँ पर आप देखेंगे उसको, तो जैसे मैग्नीशियम को हमने एयर में बर्न किया, मीन्स उसको बर्न किया, तो वहाँ पर क्या होता है, एक वाइट कलर का ड्रिजलिंग पाउडर फॉर्म होता है। तो जो वाइट कलर का ड्रिजलिंग पाउडर फॉर्म हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो क्या है, एक नया सब्सटेंस है। उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट होंगी। लेकिन इस एक्टिविटी में बताया गया है कि भाई जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू रब दैट मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड सैंड पेपर। सैंड पेपर होता है जैसे रेगमाल होता है ना, जिससे हम किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं तो वो थोड़ा उसका सरफेस स्मूद हो जाता है या उसके ऊपर शाइनिंग आ जाती है। तो ये पूछा गया है कि भाई जब हम मैग्नीशियम रिबन या एनी अदर रिएक्टिव मेटल को बर्न करते हैं तो पहले हमें उसके सरफेस को सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए है, सैंड पेपर से इसलिए रब करते हैं क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल होती हैं वो अपने आप को कोरोजन से बचाने के लिए अपने सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो उस ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए, सो दैट मैग्नीशियम रिबन कैन बर्न रेडिली, ठीक है, और क्विकली, इसलिए हमें उसको मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रब करने की जरूरत होती है, ठीक है। हाउ विल यू फाइंड आउट दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, या व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। सपोज कर जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन देखी थी, तो वहां पर तो आपको पता चल गया कि भाई वाइट ड्रिजलिंग पाउडर बनना है, तो आपको पता चल गया कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट से भी आपको पता चल जाता है कि कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है। चेंज इन स्टेट ऑलवेज इज नॉट ए फिजिकल चेंज। जैसे हमने बात की थी कि वाटर से आइस या आइस से वाटर बन गया तो वो फिजिकल चेंज है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होने के बाद भी आपको पता चल जाता है कि भी केमिकल रिएक्शन हो रखी है या केमिकल चेंज हुआ है। जैसे आप क्या करते हैं, गैसियस ऑक्सीजन और गैसियस हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए लिक्विड वाटर। तो वहाँ पर एक दो गैसेस को मिलाने पर एक लिक्विड बन गया, तो इसका मतलब है वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे 2H2 गैस प्लस O2 गैस, इट विल गिव 2H2 लिक्विड। ये जो जी है गैस का, ये इस कैपिटल बना रखा है, इसको स्मॉल में बनाएंगे, ठीक है। आगे समझ में, नाउ वी विल टॉक अबाउट चेंज इन कलर।
तो चेंज इन कलर, अगर हम दो सब्सटेंस को मिलाते हैं और वहाँ पर कोई कलर डेवलप हो जाता है, तो उस कलर से भी आपको पता चल जाता है कि भी वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे आपने दो कलरलेस सॉल्यूशन को मिक्स किया और वहाँ पर कोई कलर डेवलप हो गया, तो इससे भी आपको पता है चलता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस सिल्वर नाइट्राइड लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए येलो पीपीटी, मीन्स येलो प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, येलो होता है। यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी कंपाउंड विद देयर कलर एंड आइडेंटिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी आस्क्ड अबाउट द कंपाउंड एक्स, हुज कलर इज दिस, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा जाता है, कलर या उसके केमिकल बिहेवियर के बेस पर उसकी पहचान पूछी जाती है। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो लेड आयोडाइड होता है PbI2, दैट इज येलो इन कलर। तो यहाँ पर एक कलर डेवलप हो गया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, इट विल बी गिव PbI2 प्लस 2KNO3। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पर गैस इवॉल्व होती है, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसमें जिंक मेटल को ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ZN प्लस H2SO4, इट विल गिव ZNSO4 प्लस H2 गैस। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर हम कहीं पर क्या कर देते हैं, दो लिक्विड को मिला देते हैं और वहाँ पर एक सॉलिड बन जाता है, मीन्स प्रेसिपिटेट बन जाता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड को ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो उससे भी आपको ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, BaCl2 प्लस Na2SO4, इट विल गिव BaSO4 प्लस 2NaCl। तो BaSO4 यहाँ पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, दैट इज सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आपका दो तरीके से हो सकता है, कि टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस केस में हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स लाइम को, क्विक लाइम को वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हीट इवॉल्व होती है। CaO प्लस H2O, इट विल गिव CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर कहीं पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे CaCO3 को हमने हीट दे दिया, मीन्स उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो इट विल कन्वर्ट इन टू CaO प्लस CO2, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज चेंज इन ऑर्डर, मीन्स कहीं पर स्मेल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, दो कंपाउंड लिए, एक सोडियम सल्फाइड लिया, Na2S और HCl लिया, दे आर ऑर्डरलेस सॉल्यूशन, लेकिन जैसे आप उनको मिक्स करते हैं, यू विल गेट द रोटन एग स्मेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2S। तो H2S गैस की जो स्मेल होती है, वो रोटन एग स्मेल होती है, एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, कि आपसे पूछा जा सकता है, एक गैस एक्स है जिसकी रोटन एग स्मेल आती है, तो दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द H2S। ओके, नाउ वी विल मूव टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ही हम पढ़ रहे थे, अब हम केमिकल रिएक्शन के पार्ट की तरफ देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं, दैट इज रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या, रिएक्टेंट क्या होता है, जो इनिशियली टेकन सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड रिटन होते हैं, और जो नया सब्सटेंस आपको आफ्टर द रिएक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, एंड दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द
राइट साइड, तो मैंने लिखा भी है रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट साइड, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाई एरो। जो एक एरो होता है उससे हम सेपरेट करते हैं कि जो इन ए वे मतलब किस तरीके से हम उनको सेपरेट करते हैं एरो से, कि जो एरो का हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है और जो टेल होती है वो रिएक्टेंट की तरफ होती है। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम रिएक्टेंट को दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाकर लिखते हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट्स को भी प्लस का साइन लगाकर लिखते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है। केमिकल रिएक्शन इसलिए होती है टू अटेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दो सब्सटेंसों के बीच में रिएक्शन क्यों होती है, तो रिएक्शन इसलिए होती है सो दैट दे कैन अटेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी। क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, और अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, आगे समझ में, नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके सिंबल या मॉलिकुलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन पढ़ी थी कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो बार बार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg का सिंबल और ऑक्सीजन के लिए O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। तो इस रिएक्शन को लिखने में हमें बहुत कम टाइम लगा, तो इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, टू यूटिलाइज द टाइम और टू डिक्रीज द टाइम टेकन बाय राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखने में टाइम कम लगता है, क्योंकि वहाँ पर हम हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्या होता है केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सिंबल और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।